हेलो फ्रेंड्स, मैं सिष्टी। स्वागत है आपके अपने चैनल सिष्टी गुप्ता में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे काकोरी कांड के बारे में। ये काकोरी कांड कब हुआ और कहाँ हुआ और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की क्या भूमिका थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 23 जुलाई था और 23 जुलाई को हर जगह चंद्रशेखर आज़ाद की 113वीं जयंती मनाई गई। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं डिटेल में चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद बचपन में महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। वे दिसंबर 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद की आयु महज 14 वर्ष थी। कई छात्रों के साथ चंद्रशेखर की भी गिरफ्तारी हुई। जब उन्हें जज के सामने प्रस्तुत किया गया तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना घर बताया। इसके बाद उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। हर कोड़े के वार से चंद्रशेखर ने वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से मशहूर हो गए। उनका प्रारंभिक जीवन आदिवासी इलाके में बीता, इसलिए बचपन में उन्होंने बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। उन्होंने इस प्रकार निशानेबाजी तो बचपन में ही सीख ली थी। तो फ्रेंड्स, जल्दी जानते हैं काकोरी कांड क्या है और कैसे खजाना लूट चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों को झटका दिया था। तो चलिए आपको बताते। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में, यही काकोरी जो कि अपने लखनऊ में है, काकोरी की एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से सरकारी खजाना लूट कर उन पैसों से हथियार खरीदना था, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन में डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते थे जो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। 17 दिसंबर 1928 को आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने शाम के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेर लिया था। और जो ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले तो राजगुरु ने पहली गोली दाग दी जो सैंडर्स के माथे पर लगी। वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। फिर भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियाँ दाग डाली। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उन्हें गोलियों से समाप्त कर दिया। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आज़ाद ने गांधी जी के पास पत्र भेजा जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था, यानी मना कर दिया गया था। अल्बर्ट पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से चंद्रशेखर आज़ाद मंत्रणा कर ही रहे थे तभी ब्रिटिश पुलिस ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्बर्ट पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने 20 मिनट तक पुलिस वालों के साथ अकेले लड़ते रहे। जब लास्ट में उनके पास एक गोली बच गई तो उन्होंने खुद से खुद को मार लिया और इस तरह वो शहीद हो गए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।